नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारतीय ट्रेन में बहुत बड़ी आबादी सफर करती है। यह आबादी जनता के बड़े मत को भी प्रकट करती है और इसी राय को जानने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम नई दिल्ली से जयपुर के सफर की ओर निकल पड़ी। न्यूज 18 की टीम पूरे राजस्थान का ट्रेन से सफर कर लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जानेगी। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने नई दिल्ली से जयपुर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस में लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। हमारी टीम ने ट्रेन में लोगों की राय पूछी कि कितना आखिर विकास हुआ, उनके मुद्दे आखिर क्या हैं, कैसी सरकार वो चाहते हैं। तो आइए चलते हैं न्यूज 18 राजस्थान के इलेक्शन स्पेशल शो गाड़ी बुला रही है में सहयोगी हेमंत कुमार के साथ। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर हमारे खास चुनावी कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है मैं, और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश में आम चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी खास पेशकश जिसमें हम जानेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है, खासतौर पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर लोग क्या सोचते हैं, ट्रेन के जरिए भी समझेंगे। और आपको पता है कि जब चुनाव आते हैं गली नुक्कड़ चौराहों से लगा करके ट्रेन के डिब्बों तक में चर्चाएं शुरू हो जाती है कि आखिर सरकार ने कितना काम किया। मोदी सरकार की खासतौर पर बात करें, कितने कामों का असर धरातल पर है, लोग क्या सोचते हैं, आपकी बात सुनेंगे। और इसके लिए आज के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे जंक्शन से, और नई दिल्ली से हम चलेंगे राजस्थान के अलग अलग जगहों पर और आपकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब सिग्नल हो गया है, गाड़ी बुला रही है, बाकी बातें डिब्बे में ही करेंगे। तो लीजिए, हम ट्रेन के डिब्बे के भीतर आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा था, राजस्थान की तमाम लोकसभाओं में क्या हाल है, जनता का मूड क्या है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, कुछ भाई साहब सो रहे हैं, कुछ जो यात्री ट्रेवल कर रहे हैं सो रहे हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो लोग जाग रहे हैं और एक जागरूक मतदाता के तौर पर तमाम चीजें राजनीतिक उथल पुथल को देख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, कहाँ जा रही हैं आप? जयपुर। जयपुर जा रही हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचती हैं आप इसे लेकर के? मैं वैसे जयपुर से हूँ, बट अभी मेरा खैर दिल्ली में हो गया है। अच्छा, आप जयपुर से ही हैं? हाँ, तो वोटिंग राइट अभी तो खैर दिल्ली में। अच्छा, वोटिंग राइट आपके दिल्ली में है लेकिन आप जयपुर से हैं, जयपुर जाती रहती होंगी, क्या बदला है कुछ इन सालों में, आप देख पा रही हैं कोई विकास, कोई बदलाव? हाँ, नहीं, काफी विकास हुआ है। दो मैं इतना रेगुलर नहीं जाती, बट जितना भी गए तो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट है। नेहा जी, देश में क्या बदला है, कुछ लगता है बदलाव हुआ है या होना चाहिए आपके हिसाब से, चुनावी मुद्दे? सो फार लाइक, मतलब मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट वाइज आई फाइंड इट टू बी गुड, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, एंड मोदी की सरकार इज डूइंग गुड जॉब, सो इन माय सेंस लाइक आई विल गो फॉर मोदी। ओके, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी सिर्फ जुमला करते हैं, जुमला दे रहे हैं जनता, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब लाइक बोलने के लिए है, और दूसरा मोदी के अलावा आई डोंट फाइंड एनी अदर ऑप्शन आल्सो। ओके, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम गौस। गुलाम गौस साहब, तो आप बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? आपकी अपनी राय लोकतंत्र में होती है और होनी भी चाहिए। वोट तो दिया जाएगा तो अपना राय रखेगा ही जी, वोट देने के समय अपनी राय तो रखेगा ही आदमी जी, रखेगा वोट देने के समय तो रखते ही हैं, लेकिन एक जो जागरूक नागरिक जो होता है वो वोट से पहले भी अपनी एक उसकी सोच होती है, राय होती है, इतना डर क्यों है आप में? अपने मन की बात है कि इसको क्या करना है करके। नहीं, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं वोट किसको देना है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं। तो पार्टिकुलर मामला है, वोट हम किसको करेंगे सर? जी जी, नहीं, वोट आप किसी को भी कीजिए, क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है पिछले सालों में? हाँ, विकास हो रहा है, फिर होगा भी, ऐसे इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, ऐसा है नहीं जो कोई एक आदमी के अलावा अगर नहीं है तो दूसरा कोई देश नहीं चलाएगा, देश चला भी है करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज मोदी जी हैं, देश चला रहे, कोई दिक्कत नहीं करके, देश पहले भी चला था जब मोदी जी नहीं थे, और मोदी जी नहीं रहेंगे तो भी देश चलेगा,
ऐसा कहा, हमें बेरोजगारी पर फोकस करना चाहिए करके, हम है ना समरसता पर फोकस करना चाहिए, सर्वधर्म पर फोकस करना चाहिए, हमारी जो गंगा जमुनी की तहजीब उसको बचाने पर फोकस करना चाहिए। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। अब हमारे साथ में दो बेहतर नागरिक हैं देश के। कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। और आप कहाँ से हैं? हम रोहतक से हैं, हरियाणा। हरियाणा रोहतक राजस्थान के पास ही है। और आप अभी चुनाव आने वाले हैं, चर्चाएं तो आपके गांव में उधर क्षेत्र में भी चली रही होगी, क्या चर्चाएं चल रही है? ये सरकार तो यही आनी जो है चल रही है मोदी जी को, पर विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश के अंदर। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमानी करती है किसी चीजों, तो विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा विपक्ष भी होना बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है देश लोकतंत्र के अंदर। यदि विपक्ष कमजोर है तो मुझे लगता है नहीं कि बराबर उसको न्याय मिल सकता है चीजों को। जनता की बात दोनों तरफ से विपक्ष तरफ से रखी जानी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर जोरे। जोरे, डॉक्टर जोरे है आप। ओके, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के प्रोफेसर हैं जोरे साहब। तो हम इनसे जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? लोकसभा चुनाव में तो काफी मुद्दे ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारी चीजों पे किया है, बट मेरा एक है कि जो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो मूवमेंट चला है उसने काफी अच्छी तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ है, और उसने हमारी जो जीडीपी है उसको बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और आने वाले कुछ साल में, वैसे तो आज भी हम जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में वी आर एट द थर्ड, तो वो जो हमारा माइंड सेट था पहले का कि सर्विस ही करना है, खुद कोई स्टार्टअप नहीं करना है, तो वो बदल रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था तो इंडिया ने वो रिवोल्यूशन का जो ट्रेन था या बस था वो मिस कर दिया था। बट दिस टाइम हमने वो बस पकड़ी है या ट्रेन हमने पकड़ी है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज अदरवाइज यही सिस्टम अगर पहले होता तो ये जो सुंदर पिचाई है या फिर बाकी सत्य नाडेला है उनको यूएस जाने की जरूरत नहीं रहती थी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ के हैं? राजस्थान से ही हैं? नहीं सर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। आप है कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं आप। ये भी भाई साहब कह रहे हैं आगे वाले वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव आने वाले लेकिन जनता भटक जाती है मुद्दों से। डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं खुद, आपकी सिचुएशन क्या है? मैं तो सर अभी रिसर्च लाइन में हूँ जी, मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ओके, दिल्ली एम्स प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा, एम्स में हैं आप जी। अभी मैं कैंप के लिए जा रहा हूँ। कैंप के लिए जा रहे हैं? दोस्त ने हॉस्पिटल खोला जयपुर में, तो आज हमने फ्री कैंप लगाया वहाँ पे कैंसर अवेयरनेस के लिए। अच्छा, तो कैंसर को लेकर के ही कह दीजिए कुछ, क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? नहीं, अब तो काम हो रहा है कैंसर के ऊपर, काफी अच्छा फंड भी आया है हमारे पास, अब काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, अब डायग्नोस करना ज्यादा ईजी हो गया हमारे लिए। पहले हमें लोग बहुत डरते हैं कैंसर से आज। नहीं, वो एक मिथ है, बिना नॉलेज के तो डर लगेगा ही, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलिए, पेट स्कैन अपना करवाइए प्रॉपर, साल में एक बार पूरी फैमिली का पेट स्कैन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर का जो है मोस्टली 4 स्टेज पे हमें पता लगता है। आप तो ट्रेन में सफर करते हैं, सरकार कहती है हमने रेलें बदल दी हैं, व्यवस्थाएं बदली है क्या? हाँ, कुछ हद तक साफ हुआ है। साफ हुआ है, पहले से काफी अच्छा बेनिफिट। आज मैं 2 साल बाद ट्रेन में सफर कर रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक लग रहा है पहले से? आज अच्छा लग रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। और शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ जी, हेलो, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार है सर। विपिन जी, क्या कर बताइए आप? ये खाना वाना है। खाना वाना देते हैं? अच्छा खाना देते हैं? नहीं देते, खाना देते हैं जी। बढ़िया जी सर। चलिए आगे चलते हैं, नए डिब्बे में हम आ गए हैं, अब लोग जाग भी रहे हैं धीरे धीरे, और ब्लॉग भी हैं, बैठ जाते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी तिवारी है सर। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार क्या रहने वाला है? सर अब की बार तो मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार है, बिल्कुल। कैसे हैं आप भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? मैं अलवर जा रहा हूँ। अलवर के ही हैं? आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस बार क्या रहने वाला है? मोदी जी का जो कार्य है और मोदी जी ने जो कुछ कर दिया है और जो कुछ उनका विजन है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के ही पक्ष में जाती है, चाहे वो अलवर हो चाहे वो पूरा भारत हो। लेकिन ये तो भाई साहब अभी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, राजस्थान में अलग स्थितियां हैं।
सर लोकसभा में हमारे वहाँ से एक बाबा थे, बाबा बालकनाथ। हाँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अलवर में क्या काम करवाया है 5 साल में, बता दो। बताओ एक भी काम बता दो। बाबा बालकनाथ का हो सकता है कि उनका कोई कार्य ज्यादा अलवर में ना रहा हो। हाँ। वो सारी चीजें दिखती है, वो मैं मानता हूँ। हाँ। पर अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारत के कायाकल्प को करने के लिए मतलब अपने जी और जान से जुटा हुआ है, तो वह व्यक्ति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव अलवर में भी चलेगा और वो भारत में भी चल ही रहा है, वो दिख रहा है। दो युवा मिल गए हैं अलवर के और उनमें भाई साहब ये हो रहा है कि एक कांग्रेस की तरफ से सपोर्टर हैं, दूसरे बीजेपी के हैं। इन्होंने कहा कि अलवर में बालकनाथ ने कोई काम नहीं किया, ये कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। एक और हमारे साथ में भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू कुमार है और मैं भी प्रेस मीडिया से ही हूँ। अच्छा राजू जी पत्रकार हैं, बताइए। मैं तो सीधा एक ही बात बोलूंगा, अभी जो 10 साल जो है भारत में मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि विपक्ष आप भी जानते हैं और पूरा भारत के लोग जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह कमजोर हो चुका है। अभी 10 साल मोदी जी आएंगे, 10 साल कंटिन्यू, 10 साल, 10 साल। और ये लो अब अलग राय आ रही है। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? 2050 तक बीजेपी रहेगी सर। 2050 तक बीजेपी रहेगी, ऐसा क्यों? हम देखेंगे इस भारत को फलते फूलते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी ही विकास कर सकती है भारत को फलते फूलते, वो कह रहे हैं 2050 तक बीजेपी। 2050 तक उनकी एज 120 वर्ष हो जाएगी, जे मतलब भारत में इतना बहुत कम लोग बीजेपी तो वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 10 साल तक रहे हैं बीजेपी रहेगी। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो चेंज होता रहता है, जनता की राय जानना हमारा फर्ज है। और आप राय दे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है लाइट से, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको समस्या नहीं हो। हम किसी की समस्या बनने नहीं आए हैं, हम समस्याओं को देखने आए हैं, सुनने आए हैं, आपकी बात सुनने आए हैं। आप तो यात्रा करते हैं लगातार इन सालों में, कुछ बदला रेल में? रेल तो आप देख ही रहे हैं सर, कायाकल्प हो गया रेलवे का। वाह, अच्छा खाना वाना सब अच्छा सुधरा है? हाँ सुधर गया है, सुधर गया। ये भाई साहब पीछे से सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनका एक बार कमेंट ले लें। एक 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 सेकंड। गरीबी और देखिए बेसिक टू थिंग्स आर देयर, आप अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं करोगे, आप बेरोजगारी कम नहीं करोगे, आप गरीबी महंगाई इतनी बढ़ रही है, देर इज नो कंट्रोल। जो रूटीन के खाने पीने की चीजें हैं आज आप कंपेयर करेंगे तो जिस हिसाब से ठीक है कुछ लोगों को ठीक है, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स, बट प्रैक्टिकली जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया की आज वो ठीक नहीं है। जब तक आप उसको अपलिफ्ट नहीं करोगे खुशी खुशी नहीं है, मतलब ठीक है मजबूरी में लोग राम का भी कर रहे हैं, मैं भी धार्मिक हूँ बिल्कुल राम को फॉलो करता हूँ, बट बेसिक थिंग यही है आप गरीबी को दूर करो, महंगाई को दूर करो, तो तब अपने आप ये ओवरऑल ग्रोथ होगी। आप इनके भी आप एक पॉइंट क्या, आप दो पॉइंट बोलिए बताइए। आप कहते हो 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं फ्री का, इसका मतलब 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं क्या? उनको आपने निकम्मा कर दिया, उनको काम दो, नौकरी दो। अब अगले डिब्बे में चलते हैं। हाँ, कि क्या राय है लोगों की और अलग अलग राय है और अलग अलग विचार है, बहुत अच्छा लगा। आप अलवर वाले भी यहाँ पर हैं, आप कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर से हैं, और आज हम जयपुर के बारे में जानने के लिए निकले थे कि आखिरकार जयपुर में रामचरण बोहरा सांसद हैं जयपुर शहर से, ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह थे जो अभी विधायक बन गए हैं, अब मंत्री बन गए हैं ना, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार फिर से रिपीट होगी? बिल्कुल रिपीट होगी, और राजस्थान में 25 की 25 अब राजस्थान में बीजेपी को मिलेगी, 25 की 25 सीट। 25 की 25 क्यों मिलेगी? क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, और अभी नहीं 10 साल कांग्रेस तो कहीं आसपास भी नहीं आएगी बीजेपी की, ऐसा काम हो रहा बीजेपी की सरकार में। अभी वो अलवर वाले भाई साहब एक मिले थे, कह रहे थे बालकनाथ ने, बाबा बालकनाथ है, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। नहीं काम किया है कांग्रेस ने, तो बस 5 साल सरकार बचाने के चक्रों में लगी रही, कभी होटलों में कभी कहाँ कभी कहाँ। आपको मोदी जी क्या काम पसंद आए? मोदी जी के जो देश आगे बढ़ रहा है वो मोदी जी का हर काम पसंद आ रहा है। कोई 2-3 काम बताइए ना मोदी जी का, जैसे 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, बेरोजगारी, जैसे अभी दिल्ली में मैं एक दिन रुक के आया, हर चीज फ्री है वहाँ, तो फ्री तो लूट हो रही है वो, तो फ्री से थोड़ी देश आगे जाएगा, विकास ही है ना, विकास हो रहा है। जयपुर में काम हुआ है आपको लगता है? जयपुर सांसद ने काम करवाया? बिल्कुल, सांसद ने रामचरण जी बोरा ने बहुत अच्छा काम करवाया। लोग तो कहते हैं कि दिखते नहीं रामचरण बोरा,
नहीं नहीं हर जगह दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं? अब दिल्ली वालों को थोड़ी दिखेंगे कि लोगों से जुड़ाव कम है उनका? नहीं नहीं जुड़ाव अच्छा है, और दूसरी बार रिपीट जब भी तो उनको टिकट मिला, दूसरी बार सांसद बने, और राजस्थान में तो फिर भी 25 के 25 बीजेपी को है, 25 के 25 बीजेपी को है। तो हम आज यही जानने के लिए निकले थे कि आखिरकार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं।